हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक, जो कि बहुत ही बेसिक सा डेकोरेशन है और बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन है। आप बहुत ही आराम से इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी इस केक के रिलेटेड में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, जिसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी ऊपर के केक के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं उसको मैं कट करके निकाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केक के 3 लेयर्स कट कर रही हूँ, आप यहाँ पर 2 लेयर्स भी कट कर सकते हैं। तो मैंने 1 लेयर कट कर लिया है, अभी 2nd लेयर कट कर रही हूँ। और इसको बहुत ही आराम से कट करिए केक को, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट होते हैं तो फिर टूटने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो अभी आप जिस प्लेट पे या फिर जिस केक बोर्ड वगैरह पे इसको बनाएंगे उस पर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा लें, ताकि केक हमारा वहाँ पे स्टिक रहे, आइसिंग करते टाइम पे वो हिले ना। तो सबसे पहले हम केक का लास्ट लेयर रख देंगे, उसको नॉर्मल पानी से यहाँ पर मैंने सोक किया है, आप चाहे तो शुगर सिरप भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा आपको मीठा पसंद हो केक तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट क्रीम लिया है, जिसमें प्लेन जो व्हाइट क्रीम होती है उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया है। तो ये हमारी चॉकलेट व्हिप क्रीम रेडी हो गई है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, आप यहाँ पे चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो हमने केक का फर्स्ट लेयर कट करके रखा था उसको उल्टा करके रखेंगे, जिससे केक की थोड़ी सी हाइट आती है। तो सेम यहाँ पे मैं चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ और साइड से भी इसको कवर कर देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्रीम लगाना है क्योंकि बाद में हमको इसको कोटिंग करना है ये क्रीम से। तो अभी साइड से क्रीम से कवर करने के बाद अभी थोड़ा सा इस पर चॉकलेट गनाश लगा देंगे, आप यहाँ पे चॉकलेट सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉकलेट फ्लेक्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको प्लेन भी रख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे तो चॉकलेट क्रीम ही यूज़ किया है। तो अभी केक का लास्ट लेयर इसके ऊपर रख देंगे, इसको भी सोक कर ले। और अभी हमें केक को फाइनल कोटिंग करना है, तो अभी जो हमारा क्रीम जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा हो। अगर केक यहाँ पे बहुत ही थिक रहा तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए आप इसको हाथ से थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। बीटर का यूज़ यहाँ पर ना करें, नहीं तो ये क्रीम एकदम मेल्ट हो जाएगी, बाद में सेट नहीं होगी। तो अभी क्रीम से हमें इसको कवर कर लेना है, केक को चारों तरफ क्रीम से अच्छे से इसको कवर कर लें केक को। तो यहाँ पर मैंने केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपके पास ऐसा स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई भी कार्ड वगैरह फिर कोई भी प्लास्टिक की जो शीट्स आती हैं उससे आप इसको कर सकते हैं। अभी साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रैपर लिया है, आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं, आपको जैसा डिज़ाइन बनाना हो वैसा बना सकते हैं। तो अभी केक हमारा रेडी है, अभी इसको मैं फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। और ये मैंने चॉकलेट ट्रफल लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। अगर आपको केक को पूरे चॉकलेट से कवर नहीं करना है तो ये हाफ कप में हो जाएगा, हाफ कप चॉकलेट गनाश में। अगर पूरा कवर करना है तो 1 कप या फिर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे, तो आपको जैसा करना है आप वैसे कर सकते हैं। और चॉकलेट को स्प्रेड करते टाइम यहाँ पर आप पैलेट नाइफ बहुत ही हल्के हाथों से कीजिए, नहीं तो फिर ये क्रीम में जाके मिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से चॉकलेट से कवर कर लेंगे केक को। तो यहाँ पे मैंने केक को कवर कर लिया है चॉकलेट से, आप चाहे तो इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रफल सॉस लिया है, ये करीब 1 कप है। और ट्रफल सॉस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि जब हम इसको पाइपिंग बैग में भरें तो ये आसानी से डेकोरेट हो जाए हमारा केक, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहना चाहिए, तो फिर जो पाइपिंग बैग है वो कभी कभी फट जाता है और डेकोरेट करते टाइम पर ये कभी एक्स्ट्रा भी निकल जाता है। तो ये मैंने NU21 नोजल लिया है, स्टार नोजल है, आप कोई भी नोजल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तभी इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे और साइड में जो चॉकलेट्स लगे उसको थोड़ा सा क्लीन कर ले। तो अभी इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे केक के चारों तरफ, आप देख सकते हैं ट्रफल सॉस एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सारे डिज़ाइन एक जैसे ही निकल रहे हैं। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है आप वैसा बना सकते हैं, वैसा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सा एकदम बेसिक सा इसको डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट गार्निशिंग लिया है, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी रेडीमेड चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, कैडबरी वगैरह, किटकैट वगैरह, इसको डेकोरेट करने के लिए। और इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस लगा रही हूँ या फिर व्हिप्ड क्रीम भी आप लगा सकते हैं। और सेम इसको भी कर देंगे, जो हमने ट्रफल सॉस बना के रखा था वो लगा देंगे इसके ऊपर। और ये मैंने चॉकलेट रोल्स लिए हैं जो रेडीमेड आते हैं, वही मैंने लिया है। और थोड़े सी यहाँ पे चेरीज लगा देंगे,
और ये मैंने शुगर बॉल्स लिए हैं, सिल्वर वाले लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है, चॉकलेट ट्रफल केक बनके एकदम रेडी है। तो आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर बताना। एकदम बेसिक सा डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी ये केक बन जाता है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आए।